बाघ ने मारा है। भैंसा जानता था वो अकेला बाघ से नहीं जीत सकता, पर भैंसा हर कीमत पर बदला लेना चाहता था। भैंसा सिम्बा शेर के पास आया। भैंसा बोला, सिम्बा भाई तुम बंटी बाघ को मार डालो, बदले में मैं तुम्हारा भोजन बनने को तैयार हूँ। शेर मान गया। अब शेर और बाघ आमने सामने थे। शेर ने एक ही बार में बाघ को मार डाला। बाघ को मारने के बाद शेर भैंसे के पास आया। भैंसे ने कहा, अब मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिली होगी। ये सुन शेर समझ गया, भैंसे ने अपने बच्चे की मौत का बदले के लिए खुद की कुर्बानी देने की शर्त रखी थी। शेर को भैंसे पर दया आ गई और उसे छोड़ दिया। एक भैंस
पसंद नहीं है।
তারপরে লাগাই শুয়ার তোরে কে খানা কোনা কম দিছি নাকি তোরে তুই তোরলি কিয়া বেশি কিনতে কইতো একবার দেখাইছে না যে উত্তরবঙ্গের মধ্যে নিজেরা গরুর সকালবেলা সুদের কানে মানে কানে কাছে পার্বতী 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 দুপুরে দুধ দোয়ানোর সময় শুধু পার্বতী করে ডাক দিলে ইয়া এই এক দেড়শো গরু ভিতরে তো নিয়ে চলে যাচ্ছে আবার সকাল অজ্ঞার নাম রাখি দে দুর্গা অজ্ঞার নাম রাখি দে ময়ূরী ঠিক দুধ দোয়ানোর সময় সে নাম ধরে ডাক দিয়ে দিকে চলে যাচ্ছে আলু টালু নিয়ে শরীর।